गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज 15th of July 2021 UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आज से आप लोगों का जो नया सेशन है ऑनलाइन सेशन वो स्टार्ट होगा। बच्चे 2000 जो सेकेंड ईयर में थे वो टेम्प्ररी प्रमोट होके थर्ड ईयर में आए हैं, फाइनल ईयर में आए हैं, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनको परमानेंटली प्रमोट कर दिया गया है। जो भी बच्चे सेकेंड ईयर के थे उनके चांसेस अभी भी हैं कि आपके एग्ज़ामिनेशन बाद में हो सकते हैं। अब वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, वो ऑब्जेक्टिव मोड से हो या फिर वो सब्जेक्टिव हो, वो किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो सकता है, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि आपकी पढ़ाई हुई है। ठीक, आज के वीडियो लेक्चर को हम एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन की तरह लेंगे। BSc फाइनल ईयर, चूँकि मैं जूलॉजी में डील कर रहा हूँ इसलिए BSc फाइनल ईयर जूलॉजी का जो हमारा सिलेबस है, जो बच्चे फाइनल ईयर में गए हैं और आज से जिनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा कि उनको फाइनल ईयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कवर अप करके आए हैं। आपने सेल बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी, आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी, आपने कुछ लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा पढ़ा जिसमें आपने छोटे अमाउंट में जेनेटिक्स या ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर में आपने इम्यूनोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड उसके साथ ही साथ इनवर्टिब्रेट्स के जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए कम्प्लीटली। तो एक तरह से जूलॉजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपने कवर कर लिया। जो हमारा फाइनल ईयर का सिलेबस है उसको हम थोड़ा डीपली थॉरली स्टडी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है। फाइनल ईयर में हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, आपके जो टॉपिक्स हैं, कई टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो टिपिकल जूलॉजी से रिलेटेड है, जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, बट हायर स्टडी अगर आपको जूलॉजी में करनी है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई टॉपिक्स आपको फाइनल ईयर में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। BSc फाइनल ईयर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। अब तक आपने नॉन कॉर्डेट्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली, अब हमें कॉर्डेट्स पे चलना है। नॉन कॉर्डेट्स तक की जो भी स्टडी थी वो हमने कर ली, हमने इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ लिया और भी जो लोअर ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम आएंगे फाइलम कॉर्डेटा पे। कॉर्डेटा की डिटेल्ड स्टडी, कॉर्डेटा में हम यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ना है, हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशंस जो है वो अप टू ऑर्डर तक है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़नी है वो ऑर्डर लेवल तक पढ़नी है। ठीक है, तो आप क्लासिफिकेशन के बारे में याद रखोगे कि यहाँ पे फाइलम तो है, उसके अलावा आपको कुछ सब फाइलम्स आएंगे, कुछ क्लासेस आएंगी, ऑर्डर्स आएंगे, इन सब के बारे में क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स में आपको जो पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कॉर्डेट्स उनके बारे में पढ़ना है, एंड देन उसके बाद स्टार्ट होगा आपका कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी अमंग कॉर्डेट्स, कंपैरेटिव स्टडी बोलने का मतलब स्टार्टिंग में हम जब ये आपका पेपर स्टार्ट करेंगे तो हमें कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स, कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं, प्रोटो कॉर्डेट्स होते हैं, यू कॉर्डेट्स होते हैं, उसके अंदर भी जो भी कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन आते हैं इन सब को स्टडी करना है। उसके बाद जो भी सब फाइलम्स आएंगे, क्लासेस आएंगे, उनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनको हमें पढ़ना है। ठीक, हम कोशिश करेंगे चीज़ों को पढ़ने की, समझने की, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना वो काफ़ी हद तक मेल खाते हैं। अब आप कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर होंगी क्योंकि वो सब कॉर्डेट्स के अंडर आते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, उन डिफरेंसेस को हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बट अगर हमें कॉर्डेट्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स पता हैं तो वो सारे कैरेक्टर्स मैक्सिमम उसके अंडर आने वाले क्लासेस और ऑर्डर्स पे अप्लाई होंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है ऑर्डर लेवल तक। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कंपैरेटिव स्टडी में नॉर्मली हम ज़्यादातर जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं वो सुपर क्लासेस के बीच में करते हैं, सुपर क्लास पिसेस और टेट्रापोडा, जहाँ पे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, इन चार के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पे। एज़ फॉर एग्जांपल,
कंपेरेटिव स्टडी में आपको पढ़ना होगा सारे जो टेट्रापोड्स और पीसेज हैं इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है, सेंस ऑर्गन्स कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कंपेरेटिव स्टडी करनी है। एक चैप्टर आएगा आपका सर्कुलेशन का, जहाँ पे आपको सारे कॉर्डेट्स में जो टेट्रापोड्स आते हैं चाहे पीसेज आते हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम में सभी के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सभी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हम कंपेरेटिव स्टडी जो है वो कॉर्डेट्स की करेंगे। तो ये तो हो गया आपका एक पेपर। दूसरे पेपर की बात करें तो वो आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना ज़रूरी पेपर ग्रेजुएशन के हिसाब से तो है क्योंकि ये आपका पेपर है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि अभी बायो से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को पढ़ना, ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप से जो टेक्निक्स है बायो बायोलॉजिकल कंट्रोल्स की, जो भी टेक्निक्स है उनके बारे में हम जानेंगे, जो पॉल्यूशंस हैं उसके कारण क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, उससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमारे जो फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, इकोलॉजिकल साइकिल्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ गैस की साइकिल है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एटमोसफेयर के बारे में पढ़ना है, एटमोसफेयर में जो लेयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बायोरेमेडिएशन, बायोअक्युमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ओवरऑल एनवायरमेंटल बायोलॉजी में कई ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आपको कई सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है। ये पेपर कोई मुश्किल पेपर नहीं है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि हमने एनवायरमेंटल बायोलॉजी को उस सीरियसनेस से कभी पढ़ा नहीं जिस सीरियसनेस का ये सब्जेक्ट है, जितनी सीरियसनेस मांगता है ये सब्जेक्ट उस सीरियसनेस के साथ हमने कभी नहीं पढ़ा। इस कारण से एनवायरमेंटल बायोलॉजी की हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी के कभी ना कभी पढ़े रखे हैं, ठीक है। कुछ एडवांस टॉपिक्स यहाँ पे होंगे रिलेटेड टू एनवायरमेंट, और उसके अलावा ये जो मैंने बताया पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, थोड़े डिटेल में हमें पढ़ना है। उसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स, ये नई आपको बायोकेमिकल टेक्निक्स मिलेंगी जिससे पॉल्यूशन रुकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स जो मिलेगी उसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये तो आपके कॉर्डेट्स और एनवायरमेंटल बायोलॉजी का पार्ट हो गया। एक पेपर और है जो आपके लिए शायद नया हो, अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ये एक नया टॉपिक शायद आपके लिए हो। स्टैट आपने शायद थोड़ा पढ़ा होगा, बायोस्टैट्स आपको उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अप्लाइड जूलॉजी आई डोंट थिंक कि आपने पहले आपके कभी आया है। अप्लाइड जूलॉजी में आपको क्या करना है, हम अप्लाइड जूलॉजी में उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जूलॉजी के उस पोर्शन को डिस्कस करते हैं जिसका इकोनॉमिक यूज़ हो, जिसका कमर्शियल यूज़ हो, जिससे लोग आर्थिक तरह से फ़ायदा पाते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक। अब अप्लाइड जूलॉजी में किस तरह से आर्थिक फ़ायदा होगा, अप्लाइड जूलॉजी में हम पढ़ेंगे एपिकल्चर के बारे में, हनी प्रोडक्शन के बारे में, अप्लाइड जूलॉजी में हम पढ़ेंगे लैक कल्चर के बारे में, लाख प्रोडक्शन के बारे में, अप्लाइड जूलॉजी में हम सेरीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे जहाँ रेशम का उत्पादन होता है, अप्लाइड जूलॉजी में हम एक्वा कल्चर के बारे में बोलेंगे जैसे मछली पालन होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम अप्लाइड जूलॉजी में पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के कल्चर मेथड्स, सबसे पहले बात करें एपिकल्चर, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लैक कल्चर, सेरीकल्चर, फिर पीसी कल्चर आता है, एक्वा कल्चर आता है, बट ये तीन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एपिकल्चर, लैक कल्चर, सेरीकल्चर, ये हनी के लिए, ये लाख के लिए और ये रेशम के लिए, ये तीन जो है इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो
एपिकल्चर में हनी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से टाइप की बीज आती हैं जो मधुमक्खियाँ होती हैं, कौन कौन से टाइप के लाख के कीड़े होते हैं, कौन कौन से टाइप से सेरिकल्चर में रेशम के कीड़े होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से प्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस देखेंगे, जो रिज़ल्ट निकलता है वो किस तरह से निकलता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारा जो थर्ड पेपर है अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स में। बायोस्टैटिस्टिक्स की बात करें, अच्छा अप्लाइड जूलॉजी में सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके अलावा भी और भी छोटे टॉपिक्स हैं, सबसे मेन टॉपिक्स ये तीन या चार हैं, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पर्ल के बारे में पढ़ना है, पर्ल ऑयस्टर जो मोती के बारे में हम पढ़ते हैं तो पर्ल ऑयस्टर के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे स्टोन्स हैं लाइम स्टोन्स उनके बारे में, बहुत सारे ऑर्नामेंटल पार्ट्स बनते हैं जूलॉजी के कई सारे चीज़ों से मिला के, उन सब के बारे में पढ़ना है, कोरल्स के बारे में पढ़ना है, कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ना है, प्रोटोजोआ का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनके बारे में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ों को हम अप्लाइड जूलॉजी में नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिज्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम अप्लाइड जूलॉजी में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की। बायोस्टैटिस्टिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है कई बार शायद, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हम लेंगे, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ। और अच्छा मीन मीडियन मोड, ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स है इसका जो मीन मीडियन मोड है ये तो हम पढ़ेंगे, और चूंकि हमें प्रैक्टिकल में भी इससे क्वेश्चंस देने हैं इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। मीन मीडियन मोड इसको हम बहुत अच्छे से कई सारे एग्जांपल्स लेके डिस्कस करेंगे। मीन मीडियन मोड के बाद और कुछ टॉपिक है जैसे स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको पढ़ेंगे, उसके अलावा काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे, फिर हमें स्टूडेंट टी टेस्ट पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब हमें डिस्कस करने हैं बायो स्टैटिस्टिक्स में। ओके, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बीएससी फाइनल ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। कॉर्डेट्स और अप्लाइड जूलॉजी, ये जो दो पार्ट्स हैं ये पूरी तरह से जूलॉजी वाले पार्ट्स हैं, प्योर बायोलॉजी वाले पार्ट हैं, बट जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है और बायोस्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये वो पोर्शन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं और आजकल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मिक्सअप मिल रहा है। एक प्योर सब्जेक्ट के आधार पर अगर जूलॉजी की बात करें तो हमें प्योर जूलॉजी के भी टॉपिक्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मिल रहे हैं जो आपको आगे चल के अगर आप डेविएट करते हैं जूलॉजी से, कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं, बायोटेक, माइक्रोबायो, बायोस्टैट, ऐसा कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ भी आपको काम आएंगे। ठीक है, तो ये था आज का बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो लेक्चर से, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा बीएससी फाइनल ईयर का जो सिलेबस है, कॉर्डेट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, ये चार पोर्शन है, तीन बुक्स है आपकी, इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक अच्छा समय देके, टाइम देके, कुछ हमारा जो पोर्शन है वो ऑनलाइन कंप्लीट होगा और जैसे ही ऑर्डर मिलेगा हम ऑफलाइन क्लासेस अपनी स्टार्ट कर देंगे, तो जो नेक्स्ट पोर्शन बचेगा वो हम ऑफलाइन करेंगे। चांसेस हैं, जैसे गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला था, ये एक ऑर्डर नहीं था बट एक प्रस्ताव था कि 60% और 40% का रेशियो करना चाहिए, 60% सिलेबस जो है वो ऑफलाइन कंप्लीट हो और 40% सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट हो, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि स्टार्टिंग में 40% सिलेबस आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो, देन जो 60% सिलेबस बचेगा वो हम ऑफलाइन कंप्लीट कराएं क्लास में। ठीक है, तो जिस तरह से भी नोटिस आएगा, जिस तरह से भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको सब चीज़ पता चल जाएगी, अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल रेगुलर देखते रहिए, आपको सारे अपडेट्स जो हैं आपकी क्लासेस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्टरी पार्ट था बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के लिए, कॉर्डेट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना है। अगले वीडियो लेक्चर से हम अपने जो प्रॉपर क्लासेस है, इन डेप्थ क्लासेस, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यूस देखते रहिए और हमारे अपडेट्स के लिए कंटिन्यूस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।